other than lunch with my man. पिछली बार जब हमने 2 अक्टूबर को ब्राह्मण कुंभ किया था, संयोग से उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए। इस बार जब हमारी यात्रा समापन पर है, तब लोकसभा के चुनाव की धुंधली बन चुकी है। लोगों की जिज्ञासा है कि आप चुनाव में क्या करेंगे। संयोग है, हम ये संगठन चुनाव को दृष्टिगत रखकर नहीं कर रहे हैं। इस सद्भावना यात्रा भी उसके लिए नहीं है। इस सद्भावना यात्रा का उद्देश्य बहुत विस्तृत है। जैसा आपको बताया कि पिछली बार जो हम परशुराम सद्भावना यात्रा निकाली थी हमने, उसका एक ध्येय था कि ब्राह्मणों को एक मंच के नीचे लाना। ये बात सही है कि हमारे पहले लक्ष्य में पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। आंशिक रूप से हम जरूर सफल हुए हैं कि ब्राह्मण इकट्ठा होने की प्रवृत्ति, चेतना उसके अंदर आई है। इस बार हमने इस यात्रा के आयाम को विस्तार दिया है, उसके फलक को बढ़ाया है, उसके आकाश को विस्तृत किया है। हमने ब्राह्मण कुंभ में नारा दिया था एक राज्य एक जन, ये दोनों काम हमारे साथ साथ चलेंगे और इसीलिए यात्रा भी है सद्भावना यात्रा। एक राज्य एक जन करना है तो सद्भावना से होगा, क्रोध से एकता नहीं आएगी, ईर्ष्या और द्वेष से भी एकता नहीं आएगी। एकता लाने की सद्भावना की आवश्यकता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। और इस सुमति किसमें बन चाहिए? केवल ब्राह्मण में सुमति होगी तो नहीं चले, समस्त समाज की एकता की आवश्यकता है। और इस समय देश में राजनीति चल रही है, जिस प्रजातांत्रिक पद्धति को हमने अपनाया है, ये 15वां चुनाव, ये लगातार ये राजनीति लोगों को टुकड़ों में बांट रही है और उसके नए नए रूप लेकर सामने आती है। अंग्रेजों के समय क्यों देश में 2 विभाजन था, धार्मिक आधार पर विभाजन था कि तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू हो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों में भेद पैदा करते थे अंग्रेज और अपनी गति को सुरक्षित रखते थे। लेकिन जब से हमने संस्कृति राजनीति को स्वीकार किया है कि वोट की राजनीति हुई है, तब राजनीति ज्यादा समूह में लोगों को बांट रही है। धर्म के आधार पर विभाजन भी, कोई अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा है, कोई अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण कर रहा है, कोई पिछड़ों में और अगड़ों में समाज को मार रहा है। और उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोई खड़ा होता है पिछड़े तो है, पिछड़े अगर किसी की तरफ चले जाते हैं कहते हैं अति पिछड़े भी हैं, तो पिछड़ों को भी और समूह में बांटना। आरक्षण के आधार पर बंटवारा हो रहा है, तुम आरक्षित वर्ग में हो, तुम अनारक्षित वर्ग में हो, भूगोल के आधार पर भी बंटवारा है कि बनवासी क्षेत्र का रहने वाला ये मैदानी क्षेत्र में, ये सिंचाई का क्षेत्र है उस क्षेत्र का आदमी है। राजनीति में बंटवारा करती है क्योंकि राजनीति में जो लोग काम करते हैं वो डरे हुए लोग हैं,